हेलो बच्चों, हमारी पुरानी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका की कक्षा 8वीं की। अभी आप पुस्तक देख रहे हैं जिसमें हमने लिया है अध्याय 3, और एडगेट अभ्यास पुस्तिका के सभी विषयों के उत्तर के हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। आज के वीडियो में हमने लिया है अध्याय 3, जो कि अध्याय 3 है कोयला एवं पेट्रोलियम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोयले एवं पेट्रोलियम व जो पाठ से पूर्व जो तैयारी है, इस वाले पोर्शन को आप पढ़ लेंगे। इसको आप पूरा पढ़ने के बाद इसके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इसे पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, वायु, ट्यूबलाइट, वायु टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ, अर्थात जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है वो उसे यहाँ लिखना है, और जो मानव ने जो कुछ भी बनाया उसे हमें यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि कोयला, डीजल, सूर्य का प्रकाश, ये सब चीज़ें कहाँ पे जाएंगी? प्राकृतिक में जाएंगी। और जो मानव निर्मित है वो जाएंगे यहाँ पर, लालटेन, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, ये सब चीज़ें यहाँ पर जाएंगी। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। कोक, कोलतार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला कहाँ कहाँ पर उपयोग में आते हैं, तो आप लोग लिख लेंगे तो आपको पता है। जैसे हम डीजल लिख लेंगे तो हम इसको बस लिख देंगे, ट्रक लिख देंगे, सीएनजी हम यहाँ पे कार लिख देंगे, एलपीजी आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम अगली वीडियो में चलते हैं, आगे देखते हैं। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति की दिया गया है। तो यहाँ पे हमें खाली स्थान दिए गए हैं बहुत सारे, जो कि 5 खाली स्थान हैं, और इनमें से हमें छोड़कर लिखना है। तो आप इसमें से लिख लेंगे, हम उत्तर बता देते हैं। पहले नंबर का उत्तर हो जाएगा मृत अवशेषों, दूसरे का उत्तर हो जाएगा कोलतार, है ना, फिर तीसरे का उत्तर हो जाएगा बिटुमिन, फिर चौथे का उत्तर हो जाएगा सीएनजी, फिर पांचवे का उत्तर हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प के आगे निशान लगाइए। तो यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न आप लोग पढ़ लेंगे जिसमें हम आपको केवल उत्तर बता रहे हैं। पहले का उत्तर जाएगा प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, फिर दूसरे का जाएगा सीएनजी जो प्रदूषक ईंधन है, फिर तीसरा आ जाएगा प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है, फिर आता है चौथा नंबर सूर्य का प्रकाश आता है, इसका उत्तर सूर्य का प्रकाश आता है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, फिर आता है पांचवा नंबर, इसका उत्तर जाएगा कोक, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए, यहाँ दिया गया है। तो हमें डिवाइड करना है, समाप्त होने वाले संसाधन हैं वन्य जीव वन, और अक्षय संसाधन हैं हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी और कोयला। तो इस प्रकार से हमारी ये कंप्लीट होता है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक चौथा, कार्बनीकरण क्या है? तो इसका उत्तर लिख लेंगे, उच्च दाब व उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले के मुख्य रूप से वो कार्बन है। मृत वनस्पति में धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। फिर आता है पांचवा नंबर प्रश्न, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस जो पाई जाती है वह त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है, इसको लिख लेंगे। फिर छठवा प्रश्न आता है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिख लिए। तो जो कोयले से प्राप्त होने वाले उत्पादन, जैसे कि इसका उत्तर हो जाएगा कोक, कोलतार और कोयला गैस, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर आता है क्रमांक सातवां, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन क्या है? इनका सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। फिर आता प्रश्न क्रमांक आठवां, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? प्राकृतिक गैस का महत्व, प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन
वाहनों में ईंधन के रूप में भी होता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है और यह एक स्वच्छ ईंधन है। इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख लेंगे। फिर आता है नौवा, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? तो इसका उत्तर लिख लेंगे, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग करें, तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा, ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। प्रश्न दसवां, पेट्रोलियम जो संघटक हैं उनके नाम लिखना है। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, फिर पेट्रोल कहाँ पे उपयोग आता है, ये सब चीज़ लिखना है, आप देख देख कर लिख लेंगे। फिर तीसरा आता है मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल, आज के हिसाब से यदि हम लोग मिट्टी का तेल देखें तो मिट्टी का तेल कहीं पर भी यूज़ नहीं कर रही आज की पब्लिक, है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मिट्टी का तेल यदि आपको लिखना हो तो मिट्टी का तेल लिख लेंगे, नहीं तो आप लोग डीजल लिखेंगे। फिर स्नेहक तेल, फिर पैराफिन मोम, देखेंगे मरहम, मोमबत्ती और वैक्सीन जो वैसलीन बनाने में काम आते हैं, फिर विटामिन पेंट एवं सड़क बनाने में। विटामिन को हम लिख भी सकते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडारण को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाना है। तो देखेंगे यहाँ पे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडारण को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाना है। इस प्रकार से ये पूरा एक डायग्राम बना लेंगे आप प्राकृतिक गैस एवं भंडारण में। इसे आप डायग्राम को पुस्तक से भी देखकर बना सकते हैं। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 12, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह दी जाती है? भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल बचाएं। पहला, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान एवं मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दें। टायरों का दाब सही रखिए, अर्थात टायरों में हवा, जितना जो नियत हवा है वह भरा कर रखें, और गाड़ी के नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वर्क। आपने अपने घर में जनवरी से दिसंबर माह तक बिजली के बिल को एकत्रित कीजिए, दी गई जानकारी में आपने इसे जो भरना है वह बताया गया है। जनवरी में कितने यूनिट आपने यूज़ किया, उसका कुल कितना व्यय आया, फरवरी में कितना आया, तो इस प्रकार से आप देखकर लिख लेंगे। और जो भी यूनिट है आप उसके हिसाब से इसको आप घर का बिजली बिल उठाएंगे और देखकर लिख लेंगे। तो बच्चों आपको इस प्रकार से बिजली बिल दिखाई देगा, यहाँ पर आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा, यहाँ पे किसके नाम से बिल है, आप अपने घर का बिल उठाएंगे और यहाँ पर देखेंगे आपने कितने यूनिट बिजली यूज़ की है। यहाँ पे एनर्जी चार्जेस लिखा हुआ है, आपने कितने यूनिट बिजली यूज़ की है वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, और यहाँ पर आपके टोटल कितना बिल आया ये लिखा हुआ होगा, है ना। तो आप इसको देखकर लिख लेंगे। और आपने लास्ट मंथ एक बिजली बिल उठाएंगे, उसमें से आप ये पूरे मंथ का देख सकते हैं कब से कब तक आपने कितनी रीडिंग थी, कितनी यूनिट आपने यूज़ की, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसे देखकर लिख लेंगे। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, इनके जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं अब इनको कंप्लीट कर लेंगे पढ़कर, क्योंकि बिजली बिल आप अपने हिसाब से भरेंगे। फिर हम आगे चलते हैं, इसके पश्चात फिर बिजली बिल की कम खपत करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? तो सोलर पैनल का उपयोग करेंगे, एलईडी बल्ब का उपयोग करेंगे, लाइट एवं पंखे का दुरुपयोग नहीं करेंगे, इस प्रकार से। फिर आता है पाँचवा नंबर प्रश्न, ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत की सूची बनाइए। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा, ठीक है, इनको हम लिख लेंगे। फिर आता है प्रोजेक्ट कार्य, दूसरे प्रोजेक्ट कार्य में देखेंगे ईंधन के संरक्षण के कोई तीन नारे लिखो और पोस्टर बनाओ लिखा है। तो यहाँ पे हम नारे और पोस्टर बना लेंगे, खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी, फिर जन जन तक संदेश पहुँचाना है, बिजली पानी पेट्रोल गैस सब बचाना है, और ईंधन बचाओ जीवन बचाओ। तो ये आप लोग पोस्टर बना लेंगे इनसे देखकर, या आप खुद से भी बना सकते हैं, आपकी खुद की क्रिएटिविटी रहना चाहिए, है ना, आप खुद से दिमाग लगाकर बना सकते हैं। तो इनको आप बना लेंगे। तो बच्चों आपको आज का वीडियो कैसा लगा,
आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं आपको तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।